राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी मानस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कबड्डी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी यानी मोनू गोयत की। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मोनू गोयत का जन्म 16 फरवरी 1992 में हरियाणा के हिसार ज़िले में हुआ। दोस्तों, इनके पिता किसान हैं परंतु अभी इनका परिवार दिल्ली में रहता है। दोस्तों, मोनू गोयत को बचपन से ही कबड्डी और क्रिकेट का बहुत शौक था, लेकिन मोनू गोयत ने कबड्डी को अपने करियर के रूप में चुना। तो दोस्तों, बात करें इनके एजुकेशन की, तो दोस्तों मोनू गोयत ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रखी है और बाद में ये कबड्डी पर ज़्यादा फोकस करने लगे। तो दोस्तों, आप अब बात करें इनकी गर्लफ्रेंड की, तो मोनू भाई की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही इनकी अभी तक शादी हुई है। तो अब बात करते हैं मोनू भाई के करियर की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मोनू भाई एक बहुत ही मेहनती खिलाड़ी है और सीज़न 4 में ये बंगाल वॉरियर्स की तरफ से खेलते थे और सीज़न 5 में पटना पायरेट्स की तरफ से खेलते थे, लेकिन सीज़न 6 में इन्हें हरियाणा स्टीलर्स ने 1.51। तो दोस्तों, मोनू गोयत कबड्डी इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों, मोनू गोयत पहले खिलाड़ी हैं जिनकी फ़ोटो हिंदुस्तान टाइम्स के कवर पेज पर छापी गई। तो दोस्तों, हमारी तो यही दुआ है कि ऐसे ही मेहनत करते रहें और अनेकों उपलब्धियां प्राप्त करें। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भविष्य में मोनू गोयत से भी महंगा कोई प्लेयर बिक सकता है? तो दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।